ये मेरी तरफ से वो यूट्यूब वाले को पैगाम है जिसको सलमा ने दिया है। सलमा को नैना ने पागल किया है। नैना को सितारा ने इतने सपोर्ट किया, नैना के पास कुछ भी नहीं था। नैना को सितारा ने इस मकाम पे सितारा लेकर आई थी उनके भाइयों को इसको। तो नैना ने इतने उस पे इल्ज़ाम लगाए हैं, इतने लगाए हैं कि सलमा को मरीज कर दिया इसने। जब तक मैं जाती थी सलमा के पास, सलमा मेरी फरमा बरदार बेटी थी, मैं उसके पास जाती थी तो वह कहती थी, मैं ऐसे दरवाजे से आती थी तो वो उठ खड़ी थी, अम्मा बैठ जाओ ठीक है। तो जब का ये नैना ने उसको कहा है, जिस दिन का ये नैना ने कहा है उस दिन का मैं जाती हूँ दरवाजे के पास तो कहती है, क्या हुआ, किस लिए आई हूँ, मैं हाथ बांधती हूँ मुझे ऐसे कर देती है। मैं कहती हूँ, सलमा मैं तेरी माँ हूँ। कहती है, रिएक्शन लेने आई हो तुम, मेरे से रिएक्शन लेने आई हो। मैं कहूंगी, मैं कहूंगी, मुझे क्या, उसने नैना ने सच बताया है, मैं कहूंगी ठीक है। तो मैं रो रो के मरीज, मैं अपने लेट गई बिस्तर पे, मैं जितनी रोती रही तो सलमा ने मुड़ के नहीं देखा ठीक है। बात रही इसकी कि मेरी बेटी इधर आई है मदीना में, हम सबके साथ थी, मेरे साथ इधर सोती थी, कभी इसके पास जाती थी, इस कुत्ते के पास जाती थी कि वो ये इल्ज़ाम लगा दिया साहब ने ठीक है। मैं अंधी थी, उनका चाचा था, सब थे हम इधर, सारी फैमिली थी, सलमा के साथ जाती थी, सलमा के साथ आती थी। तो ये सरासर गलत लगाया गया है ठीक है। मेरी माँ के ऊपर कोई बात सुन ले तो सुन ले ठीक है, मान ले। तो माँ जख्नी मारती अपनी बेटियों पे ठीक है, वो भी मेरी बेटी है, वो भी मेरी बेटी है, ये सब नैना ने कहा है, जाख मारा है, ये पता नहीं नैना ने किस चीज़ का बदला लिया है। ये सुन लो मेरी बात, नैना ने मुझे जीने का नहीं रखा, मेरी बेटी गलत नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी इधर। देखो देखो तुम इधर देखो ना, 2 महीने इधर रह गई, सलमा के साथ रहती थी, मेरे साथ रहती थी, एयरपोर्ट तक देखो, अगर कोई बात होती तो हम, सलमा नहीं जाती थी एयरपोर्ट, मैं भी नहीं जाती थी ठीक है। सब इसको गए एयरपोर्ट पे छोड़ के आए, सब उनका अलविदा करके अच्छे से आए। तो फिर अभी ये नैना ने सारा ड्रामा कर दिया।